जयपुर में जिला वैश्य फेडरेशन सेंट्रल कार्यकारिणी की ओर से प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्ष सुधीर जैन ने संस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी कार्यकारिणी सदस्यों से वैश्य रिलीफ फंड में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की ताकि जरूरतमंद गरीब परिवारों की सहायता की जा सके। इस अवसर पर संस्था की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत जयपुर में 10 प्याऊ और 5 सार्वजनिक शौचालय बनाने के बारे में चर्चा की गई और साथ ही कहा गया कि 1 जनवरी को बिरला ऑडिटोरियम में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। जयपुर जिला वैश्य फेडरेशन की जो मीटिंग कल संपन्न हुई उसमें काफी मेजर डिसीजन लिए गए। सबसे मुख्य डिसीजन जो रहा वो कोविड-19 से प्रभावित वैश्य परिवारों के लिए एक रिलीफ फंड बनाना। तो इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन ने एक रिलीफ फंड की स्थापना की है जिसके द्वारा जरूरतमंद परिवारों को जिनके बिजनेस सफल हो गए हैं या जिनकी नौकरियां चली गई है उनके लिए एक फंड हम बना रहे हैं। इस फंड का जो हमने रखा है मिनिमम अमाउंट डोनेशन को 100 रुपीज मांगा है और कोई ज़्यादा देना चाहे तो ज़्यादा भी दे सकता है। जब ये फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो इस फंड के द्वारा हम जयपुर ज़िले में जो भी वैश्य परिवार आर्थिक स्थिति से या तंगी से गुजर रहे हैं या जिनके बिजनेस लॉस हो गए हैं उनको लोन की स्कीम लॉन्च कर